जब जीवन में छोटी 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 कामयाबियां ले रहा था, मेरे और दोस्त भी थे और मुझे वो बोलते थे कि मेरी माँ, जब मेरे घर दोस्त आते थे मेरी माँ से बात करते थे तो मेरी माँ बोलती थी कि भाई इसको बोलो शादी कर ले, इसको बोलो ऐसा कर ले, इसको बोलो वैसा कर ले। तो मैं बोलता था अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी मैं कहीं बन पहुँचा नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि यार हम जहाँ से शुरू हुए और तू जहाँ से शुरू हुआ, तू हमसे बहुत पीछे से शुरू हुआ, उसके बावजूद तू आज हमसे आगे है ना। इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात करें या कुछ और चीज़ों की बात करें, तो उसके बावजूद हम लोगों ने शादी कर ली है, तू क्यों नहीं करता। शादी एक घटना की बात कर रहा हूँ। तो इस बात को मैं ऐसे समझता हूँ, भेड़िए ना झुंड में अटैक करते हैं, शिकार करते हैं। मान लीजिए 10 भेड़िए हैं और उन्होंने अटैक किया, 9 को भोजन मिला, 1 को नहीं मिला। जिसको 1 को नहीं मिला है ना, वो औरों से ज्यादा शार्प होगा, औरों से तेज सोचने वाला होगा, उसके मन में औरों से ज्यादा भूख होगी अपने शिकार की। मैं भी अपने आप को उसी भूखे भेड़िए की तरह समझता रहा कि मुझे कामयाबी और चाहिए, ये मेरी कामयाबी नहीं है। मैंने कभी अपने आप से संवाद करते हुए ये नहीं कहा कि जो हो गया बहुत हो गया, नहीं। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं। और संघर्ष जो है वो आपको ज्यादा मजबूत करने के लिए आता है, आपको बेटर बनाने के लिए आता है। हम हमेशा संघर्ष से बचते हैं। हम सब लोगों ने वीडियो गेम खेली होंगी ना, वीडियो गेम खेलते हैं, कुछ लोग फोन पे खेलते हैं, कुछ लोग पहले किसी और तरह खेलते थे। तो उसमें लेवल्स होते हैं, आप पहला लेवल पार करते हैं आसानी से हो जाता है, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं। जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाते हैं आपके लिए वो गेम टफ होती रहती है। टफ का मतलब और संघर्ष और चैलेंज। पर आप जैसे जैसे पार कर रहे हैं आप ये समझ नहीं पा रहे कि आपके लेवल बेटर हो रहे हैं, आप एक बेहतर खिलाड़ी बन रहे हैं, आप एक ऊपर जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। सो जिंदगी में ना कामयाबी के लिए हौसले चाहिए, जीत के लिए साहस चाहिए, हारने के लिए तो बस डर ही काफी है। सो डरो मत, अपने आप पे भरोसा करो। मैंने जो अपने जीवन में 25 सालों में सोचा, सीखा, समझा, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे ये एक शेर की कहानी मैंने आपसे शेयर करी, एक दो और स्पिरिचुअल बातें हैं जो मैंने श्रीमद् भागवत गीता से ली हैं, है ना। ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता था शुरू से ही कि कामयाब होने के लिए जुनून बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि समझदार लोग इतिहास नहीं बनाते, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग ही बनाते हैं। और पागलों पर दुनिया हंसती है। तो कभी मैंने ये परवाह नहीं करी कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, आप भी परवाह मत कीजिए। आपने अगर कोई रास्ता चुना है उस पे पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरी जान लगाइए। कोई क्या कह रहा है, दूसरे के डर से, दूसरे की उस शर्म से आप हटिए मत अपने रास्ते से, क्योंकि कामयाबी शर्म से नहीं मिलती, कामयाबी साहस से मिलती है। साहस मत छोड़िए, शर्म मत कीजिए। जो भी आप काम करें उसको बहुत ईमानदारी से करें। जहां आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आने वाला कल आप आज तैयार कर रहे हैं। जो आप आज बीज बो रहे हैं वही कल पनप कर आएगा। मैं सब लोगों के फेथ को मानता हूं कि जो जिस तरह से फेथ करता है वो जरूर करे, पर मैं कहता हूं जो मेरा फेथ है आप उसका भी सम्मान करें। मैं सनातन धर्म को मानता हूं और मेरे ग्रंथों में ये लिखा है कि आपको आपके कर्म का फल मिलना है। और मैंने अपने इस जीवन में समझा है कि नेचर इस सिद्धांत को भी मानती है। नेचर का सिद्धांत भी यही है जो मुझे समझाया गया है कि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। आप जंगल में जा करके मान लीजिए गेहूं बोआइए
और आकर के गांव में शोर डाल दीजिए कि मैंने चावल बोया है, कुदरत एक दिन सबको बता देगी आपने क्या बोया था। तो नेचर अपने आप में कंप्लीट है, आपके द्वारा की गई मेहनत ईमानदारी का फल आपको जरूर मिलेगा। नेचर ने किसी का उधार नहीं रखा, यह मेरे अभी तक के जीवन का सार है।